अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम ये जो वीडियो बना रहे हैं उसका एक मकसद है कि आटम 22 की जो अटेम्प्ट है उसके बारे में हमें थोड़ी सी डिस्कशन करनी है कि उसको हम किस तरह से लेके चलेंगे। आप जानते हैं कि मैं कैफ 1, कैफ 3 और कैफ 5 के जो सब्जेक्ट्स हैं अकाउंटिंग के रिलेटेड जो है वो पढ़ाता हूँ, तो कुछ उसके लिहाज से मैंने बात करनी है कि अगली जो अटेम्प्ट है उसमें मैं आपको किस तरह से लेके चलूँगा। तो बच्चों, मेरे जो तीनों के तीनों जो पेपर हैं वो फिज़िकल भी क्लासेस उसकी होंगी, लाइव भी होंगी, और उसके फिर लाइव के बाद रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको पेपर के दिन तक अवेलेबल होंगे, और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप भी आपके बनेंगे जिसमें आप सारे बच्चे, चाहे फिज़िकल हों चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे और उसमें मैं आपको इवनिंग के टाइम में अवेलेबल होंगे, आपके तमाम क्वेश्चन को रिप्लाई कर पाऊँगा। और इसके साथ साथ हमने पिछले सेशन में एक तजर्बा किया था जो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ है। उसमें मैंने ये किया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग के बैच में हमने डेली बेसिस पर टेस्ट लिए थे, हमारा 2 घंटे का बैच था, उसमें रोज़ाना पहला आधा घंटा टेस्ट होता था, फिर उसके बाद 1.5 घंटे की क्लास होती थी जिसमें पहले टेस्ट डिस्कस होता था फिर हम अगला टॉपिक पढ़ते थे, और उसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ उन बच्चों, सब बच्चों को जिन्होंने टेस्ट वगैरह को प्रॉपरली रेगुलरली ज्वाइन किया। तो उसी प्रैक्टिस को इंशाल्लाह हम इस दफ़ा भी कंटिन्यू करेंगे, और पिछले सेशन में हमने तकरीबन 30 से लेकर 40 तक टेस्ट लिए थे उस सेशन में, इंक्लूडिंग मॉक एंड मिड टर्म एग्जाम्स। तो वही 30 से 40 जो टेस्ट सेशन था हमारा, पहले हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में किया था, इस दफ़ा हम इंशाल्लाह FAR 1 में और FAR 2 में भी अप्लाई करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ इंशाल्लाह अब कोशिश मेरी ये है कि आपको 1 महीना 10 दिन पहले आपका सिलेबस ख़त्म कर दिया जाए और 10 दिन के आपको रिवीजन, कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन प्लान दे दिया जाए जिसमें हम सारे टॉपिक को एक एक दिन लगा के उसको सारा रिवाइज करेंगे जीरो से। मतलब जो बंदा फास्ट स्टडी करना चाहता है और आखिरी 1 महीने में उसको सारे टॉपिक को एक ही दिन में रिवाइज करना चाहता है, तो वो भी हम इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे इस सेशन में। और लास्ट मंथ के लिए बच्चों को सबसे ज़्यादा जो पिछले सेशन में प्रॉब्लम आया वो ये है कि सर इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, पास पेपर होते हैं, हम उनमें से कौन सा करें कौन सा छोड़ दें। तो लास्ट मंथ के लिए मैं फिर एक स्पेशल असाइनमेंट बनाऊंगा जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ लास्ट मंथ में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को आपने कंप्रिहेंसिवली प्रैक्टिस करना है ताकि आप पेपर के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएं और इंशाल्लाह आपका पेपर पास हो जाएगा। तो इस सारे सिनेरियोस के अंदर सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट है वो आपकी चाहिए कि आपने इसको इंशाल्लाह शुरू से लेकर एंड तक रेगुलरली कॉन्टीन्यूसली पढ़ना है, बीच में अप्स एंड डाउन जो आएंगे उसको आपने मैनेज करना है। होपफुली आपको ये सेशन जो है फ़ायदेमंद लगेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।